तीन खतरनाक चुड़ैल। गोविंद नगर नाम के एक बड़े से जंगल में तीन खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। जंगल के आसपास कोई घर नहीं थे, जिस वजह से वो तीनों खतरनाक चुड़ैल अपना शिकार सही तरीके से नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन बहन छोटी चुड़ैल, इस जंगल में तो कोई नहीं आता और इस जंगल के आसपास कोई घर भी नहीं है, अब शिकार करने में बहुत कठिनाई होती है। बहन काली चुड़ैल, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अगर ऐसा ही रहा तो हमें भूखा रहना पड़ सकता है। अरे इतने बड़े जंगल में हमारे रहने का फिर क्या फायदा अगर हमें भूखा रहना पड़े तो। इससे तो अच्छा है कि हम जंगल को छोड़कर किसी गांव में चले जाए या किसी दूसरे जंगल में जहाँ बहुत सारे इंसान हो, ताकि हमें उनका शिकार करने में और उन्हें मारकर खाने में कोई कठिनाई ना हो। तुम सही कह रही हो चुड़ैल बहन, चलो हम तीनों यहाँ से चलते हैं और समंदर के पास वाले जंगल में जाते हैं। अगर वहाँ आसपास में कोई गांव दिखता है तो वहीं पर अपना डेरा डाल लेंगे। अगर ऐसा ही है तो फिर अब इंतजार किस बात का, चलते हैं। इतना बोलकर वो तीनों खतरनाक चुड़ैल समंदर के पास वाले जंगल में जाती हैं, जहाँ वो एक छोटा सा गांव देखती हैं। उस छोटे से गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में एक परिवार की तरह रह रहे होते हैं। उनकी खुशियाँ देखकर उन तीनों को बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों आपस में एक दूसरे से बोलती हैं। चुड़ैल बहन, इस गांव की चहल पहल और यहाँ के लोगों की खुशियाँ देख पा रही हो, ये गांव वाले कितने खुश हैं। रह जाने दो इन्हें जितना खुश रहना है, क्योंकि बहुत जल्द इनकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है और इनकी खुशियों को ग्रहण हम तीनों खतरनाक चुड़ैल लगाएंगे। तो चलते हैं इनकी खुशियों को आग लगाने। इतना बोलकर वो तीनों जंगल के बाहर गांव की ओर निकल जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें ओम नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। तीनों चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती हैं, परंतु ओम को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसे अपने आसपास चुड़ैल होने का कोई संकेत पता चलता है। ये देखकर वो तीनों खतरनाक चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और खुद से आपस में बोलती हैं, ये व्यक्ति हमसे डर क्यों नहीं रहा, क्या इसे हमारे यहाँ होने का अब तक कोई एहसास नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में आने से हमारी शक्तियाँ खत्म हो गई हो? हमें पता लगाना होगा कि हमारी शक्तियाँ खत्म हो गई है क्या, या इस व्यक्ति को हमसे डर नहीं लग रहा। चलो ये पता लगाने के लिए हम उस औरत को शिकार बनाते हैं। हाँ तुम सही बोल रही हो, चलते हैं और आज उस औरत को मार कर हम अपना पेट भरते हैं। इतना बोलकर वो तीनों ओम का पीछा छोड़कर एक औरत के पीछे जाने लगती हैं। उस औरत को अपने साथ तीन और साई चलते हुए दिखाई देते हैं। चुड़ैल के साए को देखकर वो औरत बहुत तेज डर जाती है। अब वो वहाँ से भागने लगती है कि तभी पेड़ पौधे अपने आप हिलने लगते हैं और अब उस चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। उस औरत को अपने आसपास चुड़ैल का संकेत होता है। जैसे ही वो औरत वहाँ से जाने लगती है, वैसे ही उसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो और किसी ने उसका हाथ। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाती। कुछ देर बाद वो तीनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती हैं। अपने सामने तीन खतरनाक चुड़ैलों को देखकर वो तो बहुत डर जाती है और वो तीनों खतरनाक चुड़ैल उसे पकड़कर नदी में ले जाती हैं और उसे बेरहमी से डुबोकर मार डालती हैं। उसको मारकर तीनों चुड़ैलों को बड़ी खुशी मिलती है और वो तीनों आपस में बोलती हैं, हम तीनों अभी भी उतनी ही शक्तिशाली हैं जितनी की पहले थी। पर हम उस लड़के का कुछ क्यों नहीं बगाड़ सके, अब तो मुझे उस लड़के की जान ही चाहिए, उसे ही मार कर अब मैं अपना पेट भरना चाहती हूँ। ठीक है, कल हमारा पहला शिकार वही लड़का होगा जो आज हमारे हाथों से बच गया।
उसके बाद ही हम कोई दूसरा शिकार करेंगे। अब अगले दिन वो तीनों फिर से ओम को घेर लेती हैं, पर इस बार भी वो तीनों चुड़ैल ओम का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ओम अपने घर पहुंचकर कुछ देर बाद सो जाता है। चुड़ैल उस पर निगरानी रखती है। तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो तीनों आखिर ओम का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही हैं। जिसके बाद वो एक और आदमी को अपना शिकार बनाती है। वो आदमी भी उन तीनों चुड़ैलों के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद तीनों चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए ओम से बोलती है, बहुत जी लिया तू, अब तुझे मरना होगा, चाहे हमें इसके लिए तेरे सामने ही क्यों ना आना पड़े। तुम तीनों चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता है तुम तीनों चुड़ैल कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई हो, परंतु मैं एक तपस्वी का बेटा हूँ। मैं भी एक पंडित हूँ, स्वयं भगवान जी मेरी रक्षा करते हैं, और आज भी दुर्गा माता मेरी तुम तीनों चुड़ैलों से रक्षा करेगी। इतना बोलकर ओम अपने गले से माता रानी का लॉकेट निकालकर उन तीनों चुड़ैलों को दिखाता है। माता रानी के लॉकेट को देखते ही उन तीनों चुड़ैलों की शक्तियाँ कमजोर हो जाती है, जिसके बाद ओम उन तीनों खतरनाक चुड़ैलों के ऊपर गंगा जल डाल देता है, जिससे उन तीनों चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो तीनों जलकर राख हो जाती है। इस तरह से ओम अपने गांव वालों को उन तीनों खतरनाक चुड़ैलों के चंगुल से बचा लेता है।